हेलो गाइस, आज वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं माय फेयर क्रीम का। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस क्रीम को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या सच में क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे और झाइयाँ खत्म कर आपके चेहरे को गोरा बनाएगी, और आपको इस क्रीम को कब और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए। आज इस क्रीम के बारे में आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़ आप देख सकते हैं मेरे पास आज माई फेयर क्रीम है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास 20 ग्राम का पैक है और उसका प्राइस है 195 रुपीज़, बट ये मुझे मेडिकल स्टोर से 120 रुपीज़ की मिली है। और बात करें इस क्रीम के मेडिसिन कॉम्पोजिशन की, इस क्रीम में 3 मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, मोमेटासोन, टेटिनोइन एंड हाइड्रोक्विनोन। जब बात कर लेते हैं इस क्रीम के बेनिफिट्स की, इस क्रीम को यूज़ करने के ये फ़ायदे होते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे झाइयाँ मेलाजमा सनबर्न या डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो। आपको इस क्रीम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्रीम चेहरे से दाग धब्बे झाइयाँ मेलाजमा सनबर्न डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस क्रीम में मोमेटासोन, टेटिनोइन और हाइड्रोक्विनोन का यूज़ किया जाता है। और अब बात आती है क्या इस क्रीम को चेहरा गोरा करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस क्रीम के जितने बेनिफिट होते हैं उतने इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। गाइस जैसे ही आप इस क्रीम को लगानी स्टार्ट करते हो तो ये क्रीम आपके चेहरे को थोड़ा गोरा तो कर देगी, लेकिन फिर जैसे ही आप इस क्रीम को लगानी बंद करोगे तो ये क्रीम आपके चेहरे को पहले से भी ज़्यादा खराब और काला कर सकती है। इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपके फेस पे इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको बताई, तो इसी कंडीशन में आपको इस क्रीम को यूज़ में लेनी चाहिए। और अगर जब बात कर लेते हैं इस क्रीम को यूज़ करने के सही तरीके के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको इस क्रीम को केवल रात में यूज़ करनी चाहिए, दिन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। रात में सोने से पहले आपने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और अच्छे से क्लीन करने के बाद इस क्रीम को लगा लेनी है, और फिर सुबह उठकर आपने सनलाइट में जाने से पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद ही आपने सनलाइट में जाना है। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, इस क्रीम को यूज़ करते समय आपने एक बात का और ध्यान रखना है, आपने इस क्रीम को जली और कटी स्किन पे बिल्कुल भी नहीं लगानी है। गाइस अगर आप इस माई फेयर क्रीम को इसी तरीके से यूज़ में लेते हो तो आपको इस क्रीम के 15 से 20 दिनों के बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए वैसे ही आपने इस क्रीम को लगानी बंद कर देनी है। आपने इस क्रीम को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ में नहीं लेना है, नहीं तो आपको इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इस क्रीम को लगाने से ये क्रीम आपकी स्किन को पतला कर देती है और आपके चेहरे पर रेडनेस भी आ सकती है और आपकी स्किन में हल्की हल्की जलन भी हो सकती है। इसीलिए वीडियो को लास्ट में आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपके फेस पे दाग धब्बे झाइयाँ मेलाजमा सनबर्न या डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम है तो इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपने इस क्रीम को यूज़ में लेना चाहिए। इस क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। गाइस अगर आपका इस माई फेयर क्रीम के बारे में और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।